गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के जो बीएससी पार्ट वन के विद्यार्थियों को जो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन में हमने असिम्प्टोट का बेसिक कंसेप्ट बताया था कि असिम्प्टोट क्या होता है, अनंत स्पर्शियां किसे कहते हैं। कल के जो वीडियोस में आपने देखा होगा कि असिम्प्टोट मींस मैंने आपको कहा था कि ये एक असीमित वक्र पर, मतलब अनक्लोज वक्र पर, जो बंद वक्र होता है उस पर नहीं खींची जाती, असीमित वक्र पर अनंत पोजीशन पे। कल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको मैं कल का थोड़ा सा करके फिर एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमने कॉनिक सेक्शन के पार्ट, कॉनिक सेक्शन की जो कर्व्स होती हैं, ई इक्वल्स टू वन मीन्स सर्किल, ई इक्वल्स टू वन मीन्स पैराबोला, पैराबोला E is less than one पे हमारे पास इलिप्स, और E is greater than one पे हाइपरबोला, मतलब वृत्त, फिर इसके बाद में परवलय है, फिर है दीर्घवृत्त, और ये अति परवलय है, अति परवलय है। ये है, इनमें दो जो वक्र हैं जिसकी फिगर आपने कल के इस वीडियो में बताया था, दिस इज योर सर्किल, पहला जो वाला सर्किल, देन पहला वाला, और ये दिस इज योर ए दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मींस ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इज योर ए, दिस इज बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन पैराबोला है, पैराबोला, पैराबोला मीन्स हमने इसको बताया था कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स से पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास इस तरह से इसका पैराबोला का ग्राफ चलता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, एंड देन सिमिलरली हाइपरबोला, हाइपरबोला अति परवलय है, हाइपरबोला मीन्स दिस आर द एक्सिस, this is your type of the axis, hyperbola, इसको अपन hyperbola कहते हैं, ये हमारी curve है, equation जो हमारी होती है hyperbola की, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, these are the coordinate curves, some coordinate curves of the standard form, मतलब conic section के कुछ भाग आपको इस रूप में दिखाए गए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं asymptote, असंतोष, असंतोष को हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी मींस, अनंत स्पर्शी मींस जो अनंत पर जाके स्पर्श करे, अनंत स्पर्शी का मतलब यह है कि किसी भी कर्व पर एक ऐसी सरल रेखा या ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को अनंत पोजीशन पे जाके स्पर्श करे, या उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रतीत होती है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको कल के वीडियो में बताया था, आज भी बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग किसी ट्रेन की पटरी पर, किसी रेल की पटरी पर अगर आप खड़े हो जाएं, तो जहाँ तक आपकी आंखों से निगाहें जा रही है अनंत पोजीशन पे दोनों पटरियाँ एक होती हुई प्रतीत होती है। इसी तरीके से बिजली के तार, जैसे आपने खींचे हुए बिजली के तार पोल से पोल आप देखेंगे तो दूर तक जाने पर आपको एक प्रतीत दिखते हैं, इसी तरीके से ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला पे अनंत पोजीशन पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसको कहते हैं हम अनंत स्पर्शियां, किसी भी कर्व को अनंत बिंदुओं पर जाते हुए, किसी भी वक्र पर अनंत बिंदु पर कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाए या एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। फिर इसकी अनंत स्पर्शी ये कहती है कि मान लीजिए कोई कर्व है और दो अनंत स्पर्शियां इस तरह से खींची गई है कि आपके पास ये आपस में कट करती हूँ, तो उसको कहते हैं त्रिएक अनंत स्पर्शी, और ये सिंपल अनंत स्पर्शी ये होती है। फिर किसी भी कर्व की, किसी भी कर्व की द अलजेब्रिक कर्व ऑफ डिग्री n, मतलब n घात की कोई समीकरण है तो उसकी अनंत स्पर्शियाँ भी n से अधिक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन की, इस पैराबोला की इक्वेशन की डिग्री n मीन्स n इक्वल टू 2 है तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ मैक्सिमम 2 हो सकती है, इसकी भी हमारे पास अनंत स्पर्शियाँ 2 हो सकती है, पावर 2 है, पावर 2 है, और इनको कहते हैं असीमित वक्र, तो असीमित वक्र पे ही हमारे पास अनंत स्पर्शियां निकाली जाती है, बाकी ये सीमित वक्र है
क्लोज करो है, बंद वक्र है ये दोनों, इसलिए इन पर जो भी स्पर्शिका खींचेगा वो सिर्फ स्पर्शिका होगी, अनंत स्पर्शी नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर मैक्सिमम कर्व हमने अभी कहा कि जिसमें भी हमारे पास जितनी भी डिग्री है वो डिग्री उसकी अनंत स्पर्शी उतनी डिग्री से अधिक नहीं हो सकती, मीन्स दो है तो दो या दो से कम होगी, और तीन है तो तीन या तीन से कम होगी, इस तरह जितनी भी इक्वेशन की डिग्री है उस डिग्री से अधिक नहीं हो सकती, ये अनंत स्पर्शी है। फिर अनंत स्पर्शी का वर्किंग रूल सीधा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ सीधा कि वर्किंग रूल कि हम लोग अनंत स्पर्शी कैसे करते हैं, फाइंड आउट टू फाइंड असंप्टोट टू फाइंड असंप्टोट फॉर दी कर्व, कोई भी कर्व के असंप्टोट निकालिए। तो पहला तो हमारे पास होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निर्देशांक अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी का मतलब यह है कि किसी भी समीकरण को यदि एक्स अक्ष के सापेक्ष आपको निकालना है तो उस इक्वेशन को जो भी कर्व का इक्वेशन है उस कर्व को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग क्रम में और उच्चतम क्रम सबसे आगे फिर न्यूनतम फिर न्यूनतम फिर न्यूनतम मतलब अवरोही क्रम में उसको जमा लें और फिर उसके अंदर वाई का कोफिशिएंट कॉमन निकाल लें, तो जो भी एक्स की उच्चतम घात होगी उसका जो कॉमन पार्ट है तो वो हमारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के सापेक्ष निकालना है तो वाई एक्सिस पे वाई की उच्चतम घातों में समीकरण को अरेंज कर लीजिए, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ वाई की हाईएस्ट पावर है उसको इक्वेट टू जीरो और पैरेलल टू वाई एक्सिस असिम्प्टोट आ जाएगा आपके पास। फिर सबसे पहला स्टेप आपने हम टू फाइंड पैरेलल असिम्प्टोट टू फाइंड पैरेलल असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस अक्षों के समांतर असिम्प्टोट निकालिए पहला। फिर सेकेंड स्टेप है पुट एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू एम इन दी कर्व एंड टू फाइंड फाई एम एम हाइएस्ट से शुरू करना है हाइएस्ट उच्चतम घात से शुरू करना है। फिर थर्ड स्टेप फाई एम एम इक्वेट टू जीरो एंड फैक्टर्स प्राप्त कर लीजिए फैक्टर्स लेट अस सपोज एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन। देन फोर्थ स्टेप अगेन फाई एन माइनस वन निकालें एन माइनस वन घात से करूँ मैं एन माइनस वन घात से एक्स इक्वल टू वन एम वाई इक्वल टू एम रख के फाई एन माइनस वन निकालें। देन फिफ्थ सी प्लस टू माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन फाई डैश एन एन एम ये निकालें और इसमें आप पुट कर दीजिए पुट m equals to m1, m2 and so on. So therefore, y equals to mx plus c से ये हमारे पास यहाँ c1, c2, c3 आ जाएंगे c1, c2, c3 y equals to m1, x plus c1, y equals to m2, x plus c2 and so on. These are the asymptotes. और यदि अपने पास इसके m के दो मान समान हो तो इक्वेशन से हम निकालेंगे c के मान। तो सिक्स स्टेप में इफ एम वन इक्वल टू एम टू टू वैल्यूज आर इक्वल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी सी स्क्वायर फाई एन डबल डैश एम माइनस सी फाई डैश एन माइनस वन एम प्लस में प्लस फाई टू एन माइनस टू एम इक्वेट टू जीरो। इसकी सहायता से आप सी का मान निकालिए और अगेन सी में पुट करें यदि दो मान समान हो और दो से अधिक मान समान हो तो आप क्यूब में इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर दीजिए और दो से एन मान में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से सॉल्व करें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी तरीके के एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं। इसी मेथड को सबसे पहले आपको क्या करना है उस इक्वेशन के कर्व को सबसे पहले इक्वेशन के कर्व को उच्चतम घातों में करते हुए जमाइए अर्थात सबसे पहले फर्स्ट
फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास उच्चतम घात जैसे x की क्यूब है, तो क्यूब x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट, इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। फिर सेकंड में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करें और phi n m की वैल्यू निकालिए। फिर अगले नंबर में इसके फैक्टर करिए, फैक्टर करें, फिर अगला आप इसका डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको और c का मान निकालने के लिए n माइनस 1, जैसे मान लीजिए क्यूब वाली टर्म को लिया, फिर हमने स्क्वायर वाली टर्म को लेंगे और c के मान निकले इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और यदि दो मान समान है m1 m2 तो हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोग जैसे एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे, एग्जांपल फाइंड दिस इनपुट, फाइंड द असंपोर्ट फॉर द फॉरेन टर्म, फॉर द टर्म हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन या माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फाइव में इक्वेशन है, इसके ऊपर अपन असिम्प्टोट निकालना है। सबसे पहले देखिए एक्स की उच्चतम घात, सबसे पहले आपको ये करना है सॉल्यूशन में टू फाइंड parallel asymptotes for the axis, x axis के x अक्ष और y अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक, ये इसके पैरेलल एक्सिस के वैल्यू निकालते हैं। एक्स की उच्चतम घात 3 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, वाई की उच्चतम घात का गुणांक माइनस 2 है, इसलिए इसके अंदर इस में हमारे पास इस कर्व के लिए कोई भी असिम्प्टोट इन अक्षों के समानांतर नहीं है। देन अगला स्टेप हमारा होगा समीकरण में पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू m फॉर 3 फॉर थ्री मीन्स फाइव थ्री एम इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू एम फॉर थ्री डिग्री थ्री फॉर डिग्री थ्री सो वन प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एम क्यूब दिस इज योर फाइव थ्री पहला स्टेप। सेकेंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड अगेन फाइव टू ले लें, phi 2 m equals to second degree is m minus m square, m minus m square, and this is your second equation, again phi 3 dash m, इसका differentiate कर दें, this is your 2 minus 2 m minus 6 m square, इसको differentiate किया अपने, this is your phi 3 dash m, 2 minus 2 m minus 6 m square, then factors, phi 3m equals to 0. This implies 1 plus 2m minus m square minus 2m cube equal to 0. 1 plus 2m minus 1 minus m square common nikal lijiye. 1 plus 2m equal to 0. So therefore, 1 plus 2m or 1 minus m square equal to 0. So m equals to 1 minus 1 and minus half. These are the m. These are the m. To find the c निकालने के लिए c equals to हमने देखा phi n minus 1 m upon phi dash n m. This is your formula. To find out the value of c निकालने के लिए हमारे पास ये formula है. So this is equals to c equal to phi 3 minus phi 2 m ये phi 2 m upon phi dash 3 m.
ये फॉर्मूला हमारा, तो phi 3 dash c इक्वल टू हमारे पास है माइनस m स्क्वायर फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन माइनस m स्क्वायर अपॉन phi 3 dash इज 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर 2m 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर phi 3 dash. So put m equal to 1, put m equals to 1 minus 1 and minus half. So c equal to, when you put m equal to 1, c equal to 0. C equal to 0, then c equal to minus 1 and c equal to half. So your asymptotes are, अब हम लोग asymptotes निकालने के लिए क्या करेंगे? Asymptotes are y equals to mx plus c. So m की वैल्यू यहाँ से, c की वैल्यू यहाँ से. So y equals to m equal to 1, c equal to 0, to y equal to x, y equals to minus x minus 1, and y equals to minus 1 upon 2x plus 1 upon 2. These are the asymptote, और इसकी asymptote की जो terms हैं, वो 3 या 3 से कम होगी, क्योंकि जितनी भी maximum power है, उससे अधिक नहीं हो सकती, तो इस कर्व की asymptote या अनंत स्पर्शियां 3 बनेगी, y equal to x, माइनस एक्स प्लस वन वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ और इसको सॉल्व कर लोगे तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो. सिमिलरली हम लोग इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और घर पे इस असिम्प्टोट की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, असिम्प्टोट निकालेंगे. थैंक यू. और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्पल में और दिए गए, उनको घर पर प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.